वेलकम दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया सारे चैप्टर्स को लेके। अब आज आपके साथ एक नया रिजर्व, ये है आपके सामने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो पहले तीन चैप्टर्स कवर करेंगे, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर। इन तीनों चैप्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट सेम है। नेक्स्ट जब हम सिक्स चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले इजीली समझ लेते हैं सर क्या चीजें रिजर्व। आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, रिजर्व क्या होती है, हमारी गुल्लक। और गुल्लक कहां से बनती है, प्रॉफिट से। मैंने आपको बताया था एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो गुल्लक बना ली। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है ऊपर नीचे। जैसे कई बार बोलते हैं कि सर ये बल्ब जो है ये फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो सेम फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अप और डाउन होना। किस में, इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती है। आपसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद चलेंगे यहां पे। दोस्तों हमारे मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन लेके आए थे नोटबंदी के, और नोटबंदी का जब टाइम आया था तो लोगों के पास जितने भी 500 और 1000 के नोट थे, जो भी ब्लैक इनकम थी, उन सब लोगों ने वो पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी यहाँ पे जो मैं इन्वेस्टमेंट समझाना चाह रहा हूँ आप उस बात को समझना, लोगों ने अपना काला धन इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया गोल्ड के अंदर। गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा था, लोगों को फायदा होता जा रहा था। दो दिन बाद मोदी जी ने जितने भी ज्वेलर्स थे उनके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट डाल दी। जैसे इनकम टैक्स की रेट डाली, ज्वेलर्स ने अपना बिजनेस बंद कर दिया। गोल्ड का प्राइस जो बढ़ा हुआ था, वो गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे करते करते कम होता गया। यानी लोगों को नुकसान होना स्टार्ट में लगा। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर फ्लक्चुएशन का मतलब होता है प्राइस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर प्राइस कम हुआ तो आपको क्या होगा, लॉस। और उस लॉस के लिए हम क्या बना के चलते हैं, रिजर्व। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इट मीन सर प्रॉफिट के लिए दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, वेन यू सफर अ लॉस। तो यहाँ पे मैं फ्लक्चुएशन का मतलब आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सर जब अगर डाउनफॉल हो रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, तो आप क्या करोगे, इस रिजर्व को यूज करोगे। दोस्तों सारे के सारे पॉइंट्स मेरी इस स्टोरी में कवर हो चुके हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा आपको प्रॉफिट है, नो नीड टू यूज रिजर्व। बट अगर गोल्ड का प्राइस कम होता जा रहा है तो आपको रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं जरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड के ऊपर, एक क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे आपसे। मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन, मैंने एक बैलेंस शीट बना देता हूँ आपके सामने। ये हमने बना दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने यहाँ पे दिखाई कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। मेरे एग्जाम्पल में ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया था गोल्ड में, ये हमारी है कॉस्ट। मैंने इतना पैसा, लेट्स अज्यूम हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है गोल्ड में 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की हमने क्या दिखा रखी है, इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे मैंने एक रिजर्व भी बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके अंदर पैसा पड़ा है 20,000। बट बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है क्रेडिट, और असेट साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट। तो मीनिंग समझेंगे, 2 लाख मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है और उसके लिए मैंने एक रिजर्व बनाया हुआ है 20,000। और पार्टनर्स के नाम कर देते हैं अब ए और बी, और उनकी रेशियो अभी भी हमने क्या रख दी, 1:1। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया विद लॉजिक। अब चलते हैं एडजस्टमेंट, नीचे आ गई एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने 2 लाख की खरीदी उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू है 2 लाख रुपए। इट मींस सर 2 लाख रुपए का सोना खरीदा था और मार्केट में भी कितने का बिक रहा है, 2 लाख का। आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सर कुछ नहीं हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस। सर रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ था, इस रिजर्व को तो आपने तोड़ना ही है। 12th क्लास में अगर आए हो तो रिजर्व तोड़ के भी जाना पड़ेगा। तो इट मींस सर लॉस तो हुआ नहीं, रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है, 20,000। बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन की तरह तोड़ दो, किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में। अब एंट्री करना सीखे हम, रिजर्व क्या हो रहा था,
क्रेडिट सब तोड़ने के लिए क्या करोगे, डेबिट कर देंगे और किसमें बांट देंगे, पार्टनर्स में। यानी हमारी एंट्री यहाँ पे हुई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटे डेबिट का मतलब आप इस बुल्लक को तोड़ रहे हो, कितने से तोड़ दिया आपने 20,000 और ये आपने पार्टनर्स में बांट दिया। टू एज कैपिटल अकाउंट, तो बीज कैपिटल अकाउंट। और अगेन जब भी हम बुल्लक तोड़ते हैं तो ओल्ड रेशो है, ये आपकी रेशो कौन सी होगी, ओल्ड रेशो। सर 20,000 है, इसको तोड़ देते हैं, ये आ गया 10,000 और ये आ गया 10,000। सर एक बार ना आप नई बैलेंस शीट भी बना के दिखा दो। बेटे अब मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ आपके सामने, न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में क्या कोई रिजर्व आएगा? नो सर। रीजन, रिजर्व आपका टूट गया। सर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी? दोस्तों आसान तरीका बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना ऑलवेज मार्केट वैल्यू में। और मुझे बताओ मार्केट वैल्यू कितनी थी आपकी? 2,00,000। खत्म, पहला ट्रीटमेंट खत्म हो गया, बिकॉज आपको कोई लॉस हुआ नहीं था, लॉस नहीं है इसलिए आपने गुल्लक को क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने भी आ जाएगी? 2,00,000। नेक्स्ट केस चलते हैं, धीरे धीरे केसेस को कॉम्प्लिकेशन करेंगे। बेटी एडजस्टमेंट ये हमारा आ गया केस नंबर 2। अब जरा समझेंगे, मार्केट के अंदर वैल्यू रह गई 1,91,000। मैं जरा इसको रब कर देता हूं फिर आपसे बात करेंगे। हाँ जी, 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट में कितनी रह गई? 191। आप पहले मुझे बताओगे सर कितने का लॉस हुआ? सर गोल्ड का प्राइस गिर गया, आपको 9,000 रुपए का क्या हो गया, नुकसान। अब याद करो आपने रिजर्व बनाया किस लिए था? प्रॉफिट के लिए नहीं, आपने बनाया था लॉस के लिए। कितने का नुकसान है? 9,000 का। अब आपने क्या करना है, इस गुल्लक को तोड़ोगे, कितने पैसे निकलेंगे? 20,000। 20,000 में से 9,000 तो अलग कर दोगे, बिकॉज तक नुकसान नहीं, नुकसान की भरपाई के लिए 9,000 आपने अलग कर दिया। बाकी कितना बचा? 20 में से 9 गए, बाकी बचा 11,000। 11,000 आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सर इतनी बात तो समझ आ गई, बट आप ये बताओ सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री देखते हैं जरा। बेटे रिजर्व कितने का था? 20,000 का, आपने डेबिट कर दिया, तोड़ दिया। उसमें से आपको जो नुकसान हुआ था वो नुकसान हुआ था इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आपको टोटल नुकसान हुआ था 9,000, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। बाकी कितना बचा सर? अभी भी सर गुल्लक में बचा है 11,000, वो पार्टनर्स बांट लेंगे। तो पार्टनर्स ने बांट लिया 50,500 और 50, ये हमारी एंट्री हो गई। सर इसका मतलब इस एंट्री में रिवैल्यूएशन तो दिख ही नहीं रहा। हाँ दोस्तों रिवैल्यूएशन आएगा ही नहीं, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो आपकी पॉकेट से नहीं गया। कितने का नुकसान था? 9,000 का। वो कहाँ से गया है? इस रिजर्व से गया है, इट मींस रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। अच्छा सर ये बताओ क्या बैलेंस शीट में रिजर्व आएगा? नहीं, रिजर्व टूट गया। इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे आता है? मार्केट वैल्यू पे। दोस्तों मार्केट वैल्यू आप बताओगे मुझे, मार्केट वैल्यू आ रही है 1,91,000। बहुत सिंपल सिंपल ट्रीटमेंट है आपका, तो केस नंबर 2 भी आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर, फिर मुझे वैल्यूज को चेंज करने पड़ेंगे केस 3 पे। ठीक है, अब इसको जरा हम रफ कर देते हैं, केस नंबर 3। मैंने लिखा मार्केट वैल्यू 1,75,000। आराम से समझना, धीरे धीरे करके मुश्किल होते जाएंगे केसेस। 2,00,000 थी, मार्केट में कितनी रहेगी? 1,75,000।
टोटल कितने का नुकसान हुआ? 25,000 का। आप देखो आपने गुल्लक में कितने पड़े? 20। सर 20 तो हम यहां से निकाल के दे देंगे, अभी भी 5,000 का नुकसान बचा है, वो आपको अपनी पॉकेट से निकाल के देना पड़ेगा। फाइनली आपकी पॉकेट से कितना नुकसान हुआ, 25,000 का या 5,000 का? तो फाइनल नुकसान है आपका 5,000 का। तो 25 में से 20 यहां से दे दिया और 5,000 आपकी पॉकेट से जाएगा। और बेटे आप अपनी पॉकेट को 12th क्लास में किस नाम से जानते हो? 12th क्लास में आप उसको बोलते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों लॉस हो गया आपको, ऑल लॉसेस आर डेबिट, आपको पता लग चुका है सर कितने का लॉस हुआ है, 5,000, क्योंकि ये पैसा कहां से गया आपकी पॉकेट से। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताओगे गुल्लक में कितना पैसा था, 20,000। गुल्लक टूट गई है सर, गुल्लक टूट गई, इन्वेस्टमेंट में टोटल कितने का नुकसान हुआ था आपको, 25,000 का। सर कुछ बचा ही नहीं, क्या पार्टनर्स को कुछ मिलेगा? पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर। बैलेंस शीट पे आते हैं, बैलेंस शीट में तो हमेशा क्या रिकॉर्ड करनी है आपको, मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, मान लें 70,000। तो मैंने आपको बता दिया सर गुल्लक टूट गई, मैंने क्या करा है डेबिट, मेरी पॉकेट से पैसा गया रिवैल्यूएशन डेबिट, और इन्वेस्टमेंट मेरी कम हो गई 25,000 से। दोस्तों एक बात याद रखना, ये पॉइंट एक्सपेक्टेड है बोर्ड में, और उसमें इस बार कोशिश ये रहेगी सीबीएसई की जनरल एंट्रीज पूछेंगे आपसे। तो अब एंट्री पे जरा फोकस करना, ये मेरी फर्स्ट एंट्री होगी, पार्टनर्स में कुछ बचा नहीं। मैं आपको जरा साथ साथ सेकेंड एंट्री भी करके दिखा रहा हूँ, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने यहाँ पे बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने दिखाया है यहाँ पे मुझे नुकसान हुआ था 5,000 का डेबिट साइड में, टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपने दिखाया इन्वेस्टमेंट 5,000 का आपको नुकसान हुआ। अगर मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँ यहीं पे, तो सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5,000 जो डिफरेंस आया इधर, वो क्या बन गया आपका लॉस, यानी सर लॉस कितना आया 5,000, और सर ये 5,000 पार्टनर्स बांट लेंगे, 2,500 ए को मिलेगा और 2,500 बी को मिलेगा। सर इस लॉस की भी जनरल एंट्री पास करनी है आपने, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, सर लॉस हुआ है तो आप एंट्री करोगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल कितना नुकसान था 5,000, 2,500 यहाँ पे आ गया, 2,500 यहाँ आ गया, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो याद रखना सीबीएसई का पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका है, और मैं आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जनरल एंट्रीज पे अगेन फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों 2018 पे लेजर अकाउंट पे फोकस किया था, 2017 में जो बोर्ड का पेपर आया था वहाँ जनरल एंट्रीज पे फोकस किया था, हिस्ट्री रिपीट होगी 2019 में अगेन जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज एक अकेली नहीं कर रही, इस नुकसान को आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया केस नंबर थर्ड, ये केस नंबर थर्ड था आपका 1,75,000 पे। अब चलते हैं केस नंबर फोर के ऊपर, मुझे फिर चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, मैं आ गया केस नंबर फोर। केस नंबर फोर में मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, मार्केट वैल्यू रहेगी 1,50,000। अब जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों इस पॉइंट को, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, मेरे साथ स्पीड में मेरा साथ देना। मैं यहाँ पे जरा आप बताना मुझे फटाफट कितना कितना आएगा, मैं इन फिगर्स को जरा दर्ज कर देता हूँ। हाँ जी क्वेश्चन हमारा आ गया, 2,00,000 का था, मार्केट में कितनी वैल्यू रहेगी 1,50,000 रुपए, फाइनली कितना नुकसान हुआ 50,000 का नुकसान है।
रिजर्व में कितना पड़ा था? 20,000। 20,000 यहाँ से देंगे बेटे, आपकी पॉकेट से कितना जाएगा? 30,000। और उस पॉकेट को क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन। सर 30,000 गया आपकी पॉकेट से, रिजर्व कितना था? 20,000, और टोटल कितना नुकसान हो गया? 50,000। क्या पार्टनर्स में कुछ बटेगा? नहीं। मुझे बताओ सर पॉकेट से कितना गया? 30,000। और ये 30,000 का जो लॉस है ये आप पार्टनर्स में बांट दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000 और यहाँ पे आ जाएगा 15,000। ये हमारे सारे के सारे केसेस कवर हो गए। एक दो केसेस और आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। सर जरूरी थोड़ी है कि मार्केट प्राइस डिक्रीज हो। नेक्स्ट केस ये आ गया आपका फिफ्थ एडजस्टमेंट। अगर मार्केट वैल्यू आपकी हो जाती है 2,06,000, बेटे गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, कितने का प्रॉफिट हो गया? 6,000। रिजर्व बनाया था नुकसान के लिए, यहाँ तो उल्टा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को अलग से रिकॉर्ड करेंगे। और इस रिजर्व का क्या कर रहा है सर? ये तो गुल्लक 12th में तोड़ के ही जाने हैं, यानी प्रॉफिट अलग, इस गुल्लक को अलग तोड़ेंगे। पहले गुल्लक को तोड़ देते हैं, पहले नॉर्मल एंट्रीज। आप मुझे बताओ, मैं जरा इसको फटाफट एक बार गुल्लक को तोड़ते हैं जरा। मैंने यहाँ पे लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने थे गुल्लक में? 20,000। पार्टनर्स पार्ट लेंगे 10,000 10,000। बट इट मीन्स गुल्लक आपने तोड़ दी। अब आप मुझे बताओगे सर प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000। अगर प्रॉफिट होता है 6,000 तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा इस तरह, बाय इन्वेस्टमेंट। ये आपका आ गया प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है? 6,000। और सर जो प्रॉफिट है 6,000 तो जो डिफरेंस बचा दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए और बी में। 3,000 3,000। बस सर जनरल एंट्री बतानी है आपको इसकी। जनरल एंट्रीज क्या होती हैं? फटाफट इनकी जरा एंट्रीज देखते हैं एक बार। हम प्रॉफिट हुआ था 6,000। मुझे आपको इसकी भी एंट्री बतानी है और इसकी भी एंट्री बतानी है सर। रिवैल्यूएशन क्रेडिट, पहले इसके बारे में बात करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मींस इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इंक्रीज इन असेट्स, कितने से असेट्स इंक्रीज हो रही है? 6,000। 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने का हो गया? 6,000। 3, असेट्स इंक्रीज। उसके बाद आगे प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांट देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, आपने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000। 2, A's capital account to B's capital account being profit distributed among old partners in old ratio। सर बैलेंस शीट तो रही गई। बैलेंस शीट में हमेशा क्या आती है बेटा? मार्केट वैल्यू कितनी है? 2,06,000। तो यहाँ पे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे ट्रीटमेंट बता दिए। समहाउ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसा ही है, जितना वर्कर मांगता है उतना नुकसान हटा देते हैं, बाकी सब पार्टनर्स बांट लेते हैं। सेम यहाँ पे नुकसान होता है रिजर्व से निकालो, बाकी पार्टनर्स बांट लेते हैं। दोस्तों सीपीएससी इसमें भी गेम खेल जाता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता तो है बट वो हिडन होती है, छुपा के देते हैं। जैसे एडजस्टमेंट में लिखा मार्केट वैल्यू, कई बार आपको मार्केट वैल्यू यहाँ नहीं लिखेंगे, कई बार क्या करते हैं सीबीएसई वाले यहीं पे बैलेंस शीट के अंदर लिख देते हैं मार्केट वैल्यू। यानी सर ये एडजस्टमेंट ही है जो बच्चे कई बार इग्नोर कर जाते हैं, हिडन एडजस्टमेंट होती है, नीचे नहीं देते ऊपर बैलेंस शीट पे देते हैं, तो आपको कंपैरिजन करने का। तो हमेशा याद रखना आप मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे नुकसान होगा, तो या तो गुल्लक से जाएगा या आपकी पॉकेट से जाएगा। पॉकेट से जाएगा तो क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्रीज आपके सामने सारा कुछ कर बता दी है मैंने, और ये भी बता दिया पेपर का ट्रेंड चेंज हो चुका है। आईएफआर के अंदर वो हमारा चैप्टर नंबर 6 रह गया है डिसोल्यूशन वाला, तो उसके अंदर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।
टिल द टाइम वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अब आपने फिर व्यूज करने हैं वीडियोस को, अपना आराम से वीडियोस देखना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, आपने अटेम्प्ट करना है दोस्तों। गुड बाय, हैव अ नाइस स्लीप।